कैसे? हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डे 14 का व्लॉग। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आज बच्चों ने मेरे पास स्टे किया था और एक छोटा सा कैप्चर जो मैंने रात को किया। इट्स ऑलमोस्ट 1:40 एंड हियर आई हैव अ डायन एंड शी डोंट वांट टू स्लीप। अच्छा, इस टाइम ना अभी हम मस्तियाँ कर रहे थे कि मामा का रूम मेरे रूम के साथ ही है, तो उनके रूम में आवाज़ें जा रही थी और उन्होंने आकर यशवा को डांटा कि एक तो वो पहले नहीं सोती है, ऊपर से आप लोग इतना शोर कर रहे हो। और उसके बाद यशवा का मूड देखने वाला था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नानों की वजह से डांट पड़ी है, है? डांट पड़ी है। ताली दो मुझे रोज पड़ती है, मुझे तो दिन में 20 दफा पड़ती है ना। इसके बाद हमने सहरी की और सो गए। उसके बाद दोपहर के टाइम ही उठे और उसके साथ थोड़े से काम वगैरह करने के बाद मैं अफ्तारी की प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ हांडी, उसके बाद मैं आज एक बनाऊंगी ब्रेड के पकोड़े। तो सबसे पहले मैंने भिंडी को कट करके उसको ऑयल में डाल दिया। मैं आपको ना बड़ी क्विक सी एक रेसिपी बताती हूँ। मतलब मोस्टली भिंडी बनाने में आपको थोड़ा घंटा लग जाता है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप 20 मिनट्स में भी भिंडी बना सकते हैं। तो एक तरफ मैंने भिंडी को रख दिया है ऑयल में फ्राई होने के लिए और दूसरी तरफ मैंने प्याज लेकर जितने भी हमें रिक्वायर हैं उसमें 3 मदर टमाटर कट करके डाल लिए थे। टमाटर के बाद इसे मैंने जितने भी मसाले डालने थे वो सारे के सारे इसमें ऐड कर लिए थे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून के बराबर सॉल्ट। उसके बाद इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर। उसके बाद इसमें ऐड की थी रेड चिली फ्लेक्स। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया था सूखा धनिया। उसके बाद गरम मसाला ऐड किया था और लास्ट में मैंने इसमें ऐड की थी थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और लाल मिर्ची ऐड की थी, जो कि मैं आपको कैप्चर करना दिखाना भूल गई। तो उसके बाद इसको कवर करके आप हल्की सी आंच पे रखते हैं, लाइक जितनी देर में 10-15 मिनट्स में आपकी भिंडी फ्राई होगी उतनी देर में आपका जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं प्रेपरेशन कर लेती हूँ जो भी मैं बनाने जा रही हूँ आज सेकंड रेसिपी उसकी। तो एज यूजुअल हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मतलब फ्राई चीज़ें भी नहीं खाते हैं, तो मैंने सिर्फ एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट कर लिया। आलू को हमेशा मैं थोड़ी देर के लिए सॉल्ट लगा के रखती हूँ, लाइक 10-15 मिनट्स के। अगर आलू मीठे हों तो आपकी इतनी मेहनत बेकार ना चली जाए। उतनी देर में ये फ्राई हो चुकी थी तो भिंडियों को मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया था ऑयल से। प्याज जो मैंने रखा था उसमें मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाला था, और इसमें जाहिर है भिंडियों को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा ऑयल रिक्वायर होता है। तो अब जो मिक्सर मेरा था, ये देखें, सॉफ्ट हो चुके हैं प्याज। इस सारे मसाले को मैं ऐड कर दूंगी इसी ऑयल में और सिर्फ 5 मिनट इसको भूनने के बाद आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी। लाइक 15-20 मिनट्स में आपका सालन तैयार हो जाएगा। एक्चुअली आज की इफ्तारी मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से मैक्सिमम 40-45 मिनट्स में बनाई थी, क्योंकि पहले मैं भाई के साथ मार्केट चली गई थी और आने के बाद बहुत थोड़ा सा टाइम बचा था। अच्छा, इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ और यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ सेकंड रेसिपी। तो जो मैंने आलू लिए थे उसमें से पानी मैंने निकाल के इसे वॉश कर लिया है और इसमें मैं लूँगी लाइक 2 मीडियम साइज़ के प्याज। उसके बाद मैं इसमें लूँगी 1 कप के बराबर बेसन। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले ऐड किया है सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, काले मिर्च पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना।
पहले आप ड्राई फॉर्म में इसको मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका बैटर बना लें। अगर आपको लगे कि आपका बेसन कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसको कलर देने के लिए सिर्फ मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। एक मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, अब हम ऐड बनाते हैं सेकंड मिक्सचर। इसमें मैं लूँगी 3 से 4 चम्मच के बराबर बेसन और इसमें मैं पानी डाल के इसका लाइट सा लिक्विडी सा पेस्ट बना लूँगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करूँगी, रेड चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट। और अब इसको आपने कंसिस्टेंसी इतनी थिक रखनी है जैसा कि आपको नज़र आ रही है, इसको आप पेस्ट बना लें। और पहले साइज को आपने इसमें डिप करना है और ऑयल डालकर तवे पे इसको फ्राई कर लेना है। एक्चुअली अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो आपका एक साइड जो होती है वो ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करती है, और अगर आप डायरेक्ट ये मोटा वाला मिक्सर लगाएंगे तो आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयली बनती है। तो दूसरी वाली साइड पर मैं लगाऊँगी ये आलू वाला मिक्सचर, और मेक श्योर आप इसको बहुत कम आंच पे बनाएं। उतनी देर में ये देखें भिंडी मैंने इसमें मिक्स कर दी है और हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब एक चीज़ से तो मैं फ्री हो गई हूँ, और इसको मैंने सिर्फ स्टीम पे रखा था 5 मिनट्स के लिए, और साथ ही साथ मैं ये पकोड़े बना रही हूँ। इसको टर्न कर देना है जब आपकी एक साइड अच्छी तरह से कुक हो जाए, और फिर आपने इसको कवर कर देना। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है ये देखने में, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती हैं। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अफ्तारी में क्या बनाएं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से मैंने बाकी सारे भी बना लिए थे, और आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस है, और ये बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपकी भूख भी ख़त्म कर दे और जल्दी से भी बन जाए। इसके अलावा अफ्तार में थी फ्रूट चाट, दही भल्ले और बिरयानी। लेकिन उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।